नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी और हम लोग बात कर रहे थे भाषा कौशलों के व्यवहार से संबंधित। तो हम लोगों ने बात की थी कि सुनना है, बोलना है, पढ़ना और लिखना ये कौशल है, ठीक है। अब बालक जो किसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो इन कौशलों का विकास उन्हें करवाया जाता है, जिससे कि वो अन्य भाषाओं को भी सीख सकते हैं इन कौशलों के माध्यम से। और जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो यही होती है कि इन कौशलों का विकास बालकों के अंदर करवाया जाए। तो आइए हम चर्चा करते हैं आज भाषा कौशलों से उद्देश्यों की प्राप्ति। तो किस प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति हम लोग कर सकते हैं भाषा कौशलों के माध्यम से। तो पहला है व्यक्तियों के कथन, प्रवचन, भाषण आदि को सुनकर उसका अर्थ आशय और भाव समझना। देखो पहला क्या उद्देश्य प्राप्त होता है कि अगर कोई भी अपनी बात को कह रहा है, जब तक हम भाषा का हमारे अंदर इन कौशलों का विकास नहीं होगा तब तक सामने वाला व्यक्ति क्या बात कह रहा है, कौन से विचार रख रहा है, किस प्रकार का भाषण दे रहा है, वो हमें समझ में नहीं आएगा। हमें इन कौशलों का विकास करना होगा तभी इन चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें भाषा कौशलों का विकास हो गया है तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। जैसे कि व्यक्ति किसी कथन को कह रहा है या प्रवचन को कह रहा है या किसी भाषण दे रहा है ना, तो उसको सुनकर उसका अर्थ बता सकते हैं, आशय और भाव, ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है। अगला व्यक्ति किस प्रकार का भाषण दे रहा है, वो भाषण हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। जैसे कि हम लोग आप लोगों को निर्देश देते हैं कोरोना संबंधित, आप लोगों के अंदर सुनने की क्षमता का विकास हो चुका है, आप लोग इस चीज को समझते हो, ठीक है, भाव को ग्रहण कर चुके हो, तो आप इसका अर्थ समझ रहे हो, ठीक है। तो वही चीजें के उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है। फिर है अपने विचारों तथा विचारों भावों तथा उद्देश्यों को भाषा में बोलकर दूसरों के समक्ष प्रकट करना या वाचन करना। श्रवण कौशल यहाँ पर हुआ कि सुनने की क्षमता का विकास होते ही अर्थ आशय भाव को समझा गया। अब यहाँ पर इनको सुनकर समझकर विचारों भावों उद्देश्यों को भाषा में बोलकर दूसरों के समक्ष प्रकट या वाचन करने की क्षमता का विकास उत्पन्न हो जाता है, इस उद्देश्य से कौशलों का विकास करवाया जाता है। फिर है अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित बात को समझना। अन्य व्यक्तियों द्वारा लिखित बात को समझना। जब सुनने की क्षमता का विकास हो चुका है, हम भावों को प्रकट कर रहे हैं, तो लिखित अभिव्यक्त की गई कोई भी सामग्री होगी या वस्तु होगी उसे हम पढ़कर उसके भाव को ग्रहण कर सकते हैं। फिर है अपने भावों, विचारों एवं भावनाओं को लिपिबद्ध कर उनको लिखकर अभिव्यक्त
अभिव्यक्त करने की क्षमता, अभिव्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन के कौशलों का प्रारंभ में ही अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, तो ये है चार महत्व के बिंदु जिनके माध्यम से हम लोग भाषा कौशलों के उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। अब है भाषा कौशल के पक्ष, भाषा कौशल के पक्षों की बात हम लोग करेंगे। हिंदी के आधारभूत कौशल के पक्ष, हिंदी के आधारभूत कौशल के पक्ष, ये कौन कौन से पक्ष होते हैं? तो हम लोग बात करेंगे चार पक्षों की। यहाँ पर चार पक्ष हैं हिंदी भाषा कौशल के आधारभूत पक्ष। पहला है श्रवण अवबोध, श्रवण अवबोध मतलब कि सुनने से संबंधित ज्ञान, ज्ञान को प्राप्त करना आधार। हिंदी भाषा के कौशलों को सीखना है तो इन आधारभूत चीजों का हमें ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। यदि इनका ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा तो हम इन कौशलों का विकास अपने अंदर नहीं कर पाएंगे। दूसरा है संप्रेक्षण या वाचन अवबोध, संप्रेक्षण या वाचन अवबोध, संप्रेक्षण मनी आदान प्रदान करना, ठीक है, या वाचन वही पढ़ना है ना, उसके उन चीजों का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। कब? क्योंकि जब तक हम इन हमारे अंदर ये कौशलों का विकास नहीं होगा, जब तक कि हम लोग संप्रेक्षण नहीं कर पाएंगे या फिर बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसका ज्ञान होना, किस प्रकार कहा जाता है, किस प्रकार संप्रेक्षण किया जाता है, ये ज्ञान हमारे अंदर आवश्यक रूप से होना चाहिए। फिर है पठन या अध्ययन अवबोध, पठन या अध्ययन अवबोध, यहां बात की गई थी बोलने से संबंधित जो ज्ञान होता है कि बोला किस प्रकार जाता है, सुनकर बोलना वो बात है वाचन के अंतर्गत। अब है पठन यानी पढ़ना, पढ़ने से संबंधित जो पक्ष है उसे ध्यान में, उसका ज्ञान अगर नहीं होगा कि पढ़ा किस प्रकार जा सकता है, कि पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं, यति गति आरोह अवरोह विराम चिन्हों को ध्यान रखते हुए पढ़ना होता है, तो वो सारा उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही हम उचित प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। फिर है लेखन अवबोध, लेखन अवबोध, इन सभी क्षमताओं के बाद फिर है लेखन से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना होता है, क्योंकि अंतिम जो अवस्था होती है कौशल की वो क्या होती है, लेखन की अवस्था। लेखन के बारे में अगर जानकारी नहीं होगी, किस प्रकार, जैसे कि हम लोग ध्यान देते हैं कि अध्यापक है किस प्रकार घुमाव वाले अक्षरों को हमें बनाना सिखाते हैं, किस प्रकार शिरोरेखा खींची जाती है, खड़ी पाई आड़ी लाइन, ये सारी चीज़ें हमें अध्यापक सिखाता है। क्यों सिखाता है? प्रारंभिक अवस्था में हम लोग ये चीज़ें सीख लेते हैं, क्योंकि जब हम भाषाई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इसके अंतर्गत लेखन की क्षमता का विकास भी अध्यापक को करवाना होता है विद्यार्थियों के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो अध्यापक है बालकों को बोलता है, बालक उसे सुनते हैं, सुनकर फिर उसे बोलने का प्रयास करते हैं। अगली अवस्था में अध्यापक उन्हें किसी अक्षर की ओर इंगित करता है और बालक उस अक्षर को पढ़ते हैं, बाद में उसे वो
लिखते हैं। अध्यापक विभिन्न प्रकार के जो नियम हैं बताते हुए बालकों को लिखना सिखाता है। तो इन अवस्थाओं के अंतर्गत भाई प्रारंभ में जब भाषा ज्ञान दिया जाता है तो भाषा के अंतर्गत लिपि पद चिन्हों वगैरह इनका ज्ञान बालकों को दिया जाता है। ये चीज विषय के अंतर्गत नहीं दी जाती है, लेकिन भाषा के अंतर्गत लिपि चिन्हों का प्रारंभ से ही ज्ञान प्रदान किया जाता है। फिर है अगला टॉपिक हमारा है भाषा व्यवहार, भाषा व्यवहार कौशल, भाषा व्यवहार कौशल पाठ शिक्षण, भाषा व्यवहार कौशल पाठ शिक्षण का मुख्य ध्येय है कि मुख्य ध्येय है कि विद्यार्थी सीखी सुनी भाषा, विद्यार्थी सीखी सुनी भाषा को शुद्धता और प्रवाह के साथ प्रयोग कर सके। इन उद्देश्यों को निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। देखो विद्यार्थी देखी सुनी बात को शुद्धता से या प्रवाह के साथ उसका प्रयोग कर सके, वो बात किन बिंदुओं पर टिकी हुई है, मतलब किन उद्देश्यों पर प्राप्त की जा सकती है। तो पहला उद्देश्य है भाषा व्यवहार में शुद्धता लाने के लिए, भाषा व्यवहार में शुद्धता लाने के लिए। पहली बात है कि पहला उद्देश्य होता है कि भाषा व्यवहार में शुद्धता लाने के लिए हमें सुनने की आवश्यकता होती है, बोलने की आवश्यकता होती है, पढ़ने की आवश्यकता होती है, उसका लिखित रूप अंत में ये आवश्यकता होती है। फिर दूसरा है भाषा व्यवहार में प्रवाह लाने के लिए। अगली बात है भाषा व्यवहार में प्रवाह लाने के लिए कि भाषा हम बिना रुके लयबद्ध यति गति आरोह अवरोह विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए भाषा का वाचन करें, इसीलिए हमें जो देखी सुनी बातें वो शुद्धता और प्रवाह से उसका प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है भाषा व्यवहार में स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करने के लिए। जब हमारे अंदर इन कौशलों का विकास हो जाता है तो हम भाषा का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, प्रवाह के साथ बोल सकते हैं, शुद्धता से उसे अपना सकते हैं। अपने व्यवहार के अंतर्गत हम इन कौशलों का जब विकास कर लेते हैं तो हमारा जो व्यवहार होता है, व्यवहार यानी कि इन कौशलों को कहना, ये सारी चीजें हमारे अंदर शुद्धता लाती है, प्रवाह लाती है और स्वतंत्र रूप से हम कह सकते हैं हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है कि कोई हमें हमारी सहायता करे कि हम किस प्रकार कहें, किस प्रकार बोले या फिर किस प्रकार हम पढ़े और या किस प्रकार लिखे। तो इन कौशलों का विकास होने के माध्यम से ही हम लोग भाषा को प्रभावपूर्ण पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। अब है आपका गृहकारी प्रश्न। भाषा कौशलों से किन उद्देश्यों की
प्रश्न है, भाषा कौशलों से किन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, और दूसरा भाषा हिंदी के आधारभूत कौशल के पक्ष एवं उद्देश्यों को लिखें। ठीक है, ये दो प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम घर से बाहर जाएं, बाहर जाते हैं तो तीन बातों को विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें, धन्यवाद।